नमस्कार प्रिय विद्यार्थीगण, आज के वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो TGT PGT नेट या हिंदी से संबंधित कोई एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो हिंदी से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इतिहास लेखन की पद्धतियों के बारे में, ठीक है। तो इतिहास लेखन की पद्धतियों से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिसके उत्तर भी यहाँ पर बता रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अंत तक देखिए। तो चलते हैं। पहला है, इतिहास लेखन की सबसे प्राचीन पद्धति है। तो इतिहास लेखन की सबसे प्राचीन पद्धति कौन सी पद्धति है? तो इतिहास लेखन की सबसे प्राचीन पद्धति वर्णानुक्रम पद्धति है। इसके बाद दूसरा देखते हैं वर्णानुक्रम पद्धति में सबसे पहले इतिहास लिखने वाले विद्वान हैं। तो वर्णानुक्रम पद्धति का सबसे पहले प्रयोग किए थे गारसा दत्तासी ने, जो कि इनका ग्रंथ था इस्तवार द ललितेतुर हिंदुस्तानी, ठीक है। तो इस ग्रंथ में सबसे पहले इतिहास लिखे थे, जो कि वर्णानुक्रम पद्धति में लिखे थे, और वर्णानुक्रम पद्धति सबसे प्राचीन पद्धति है। आगे देखते हैं, गारसा द तासी के बाद, यहाँ टासी नहीं तासी रहना चाहिए, गारसा द तासी के बाद वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग करने वाले विद्वान हैं। तो गारसा द तासी के बाद शिव सिंह सेंगर ने किए थे, जो कि इनका ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, ये ग्रंथ का नाम है और ये ग्रंथकार हैं। अगला, इतिहास लेखन की सबसे प्राचीन पद्धति। तो इतिहास लेखन की सबसे प्राचीन पद्धति ऊपर अभी देखे हम लोग वर्णानुक्रम पद्धति ही है, जो कि गारसा द तासी ने जिसका प्रयोग किए हैं। इसके बाद इतिहास लेखन की सबसे प्रसिद्ध पद्धति कौन सी है? अगर सबसे प्रसिद्ध पद्धति की बात आए तो कालानुक्रम, वर्णानुक्रम तो प्राचीन पद्धति है, और प्रसिद्ध पद्धति की बात आए तो कालानुक्रम सबसे प्रसिद्ध पद्धति है, और इसका प्रयोग सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने किए थे। इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति, इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति की बात आए तो सर्वश्रेष्ठ पद्धति है विधेयवादी पद्धति, जिसका प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में किए थे, जो कि 1929 में लिखे थे। इसके बाद देखते हैं अगला, कालानुक्रम पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो कालानुक्रम पद्धति का सबसे पहले प्रयोग किए थे जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ऊपर हम लोग देखे, जो कि इनका ग्रंथ था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इस ग्रंथ में किए थे सबसे पहले प्रयोग किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, और ये इनकी पद्धति भी प्रसिद्ध पद्धति है, ठीक है। ये आपके एग्जाम के लिए सभी मोस्ट हैं, इसको ध्यान देंगे। किस पद्धति में रचनाकारों के परिचय से ज़्यादा रचनाकारों के गुण दोष बताने पर बल दिया जाता है? तो आलोचनात्मक पद्धति, जब गुण दोष जहाँ पर बताया जाता है तो आलोचना ही करते हैं, आलोचना ही उसको कहा जाता है, तो आलोचनात्मक पद्धति कहेंगे। आलोचनात्मक पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो आलोचनात्मक पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे राम कुमार वर्मा ने, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो कि इनका ग्रंथ है, इतिहास है। शास्त्रीय मान्यताओं, भाषा विज्ञान आदि के आधार पर रचनाओं का मूल्यांकन किस पद्धति में किया जाता है? तो वैज्ञानिक पद्धति में, भाषा विज्ञान की बात आ रही है तो भाषा वैज्ञानिक पद्धति में, वैज्ञानिक पद्धति होगी। वैज्ञानिक पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो गणपत चंद्र गुप्त ने किए थे, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में, जो कि इनका इतिहास ग्रंथ है, ठीक। रचनाकारों का मूल्यांकन उनके द्वारा समाज को प्रभावित करने के आधार पर किस पद्धति में किया जाता है? तो समाजशास्त्री पद्धति में।
समाजशास्त्री पद्धति का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो आचार्य हजारी प्रसाद का नाम आएगा यहाँ पे, ठीक है। वैसे तो कई किए हैं लेकिन सबसे पहले इन्हीं का नाम आएगा, जो कि इनका इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में लिखे थे, हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास 1952 में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 ईस्वी। इसके बाद इतिहास लेखन की नवीनतम व सर्वश्रेष्ठ पद्धति है, तो सबसे नवीन और सर्वश्रेष्ठ पद्धति विधेयवादी पद्धति है, जिसका प्रयोग रामचंद्र शुक्ल ने किए थे अपने इतिहास ग्रंथ में, जो कि इतिहास ग्रंथ इनका था हिंदी साहित्य का इतिहास, 1929 में लिखा गया। सभी पद्धतियों का मिश्रण किस पद्धति को कहा जा सकता है? तो विधेयवादी पद्धति को सभी पद्धतियों का मिश्रण भी कहा जा सकता है। दोहरा नामकरण किस पद्धति की विशेषता है? तो दोहरा नामकरण विधेयवादी पद्धति की ही विशेषता है। दोहरा नामकरण का मतलब एक काल का दो नाम, जैसे आदिकाल को एक तो आदिकाल नाम हुआ और एक वीरगाथा काल, दो नाम है एक ही काल का, तो दोहरा नामकरण, क्योंकि ये विधेयवादी पद्धति में लिखे थे तो दो दो नाम दिए हैं, जैसे भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल भी कहे हैं, रीत काल को उत्तर मध्यकाल भी कहे हैं, दो दो नाम है, आधुनिक काल को गद्य काल भी कहे हैं। तो एक काल का दो नाम जब रहता है तो विधेयवादी पद्धति की विशेषता होती है एक काल का दो नाम, दोहरा नामकरण। विधेयवादी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो विधेयवादी पद्धति का सबसे पहले प्रयोग तेन ने किए, लेकिन ये विश्व में, लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास में विधेयवादी पद्धति का प्रथम प्रयोग किसने किया अगर आए, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किए हैं हिंदी साहित्य का इतिहास में। तो बस इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे दूसरे वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए। हम मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।